अग्रवाल ट्रस्टों को लेकर एसडीएम कोर्ट से कुछ आदेश पारित हुआ है, क्या है मामला पूरा? एसडीएम कोर्ट में मैंने अग्रवाल समाज ट्रस्ट नागराम बिड़लाग्राम के खिलाफ एक शिकायत की थी कि ट्रस्ट का ऑडिट नहीं कराया जा रहा है, जो ट्रस्टी मर चुके उनके स्थान पर नवीन ट्रस्टियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, ट्रस्ट के द्वारा बिना नगर पालिका की परमिशन के पूरी धर्मशाला का निर्माण कर लिया है, और ट्रस्ट के द्वारा बिना डायवर्सन कराए आवासीय भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। ट्रस्ट द्वारा रेलवे की जमीन में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको रेलवे के द्वारा सील कर दिया गया है, और जो ट्रस्टी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अवैध निर्माण करा रहे हैं, और जो भी हिसाब किताब वो संस्था को नहीं दे रहे हैं, समाज के लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, तो मेरी शिकायत पर एसडीएम साहब ने तत्काल संज्ञान लिया और ट्रस्टियों को उपस्थित होने के आर्डर दिए। इस दौरान कोर्ट में एविडेंस पेश हुए, एविडेंसों के आधार पर बहस होने के बाद में कोर्ट ने अग्रवाल समाज ट्रस्ट के खिलाफ एक आदेश पारित किया, सभी ट्रस्टियों की कार्यकारिणी को भंग करते हुए नवीन चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, चुनाव अधिकारी नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है कि तत्काल नायब तहसीलदार 43 दिन के अंदर चुनाव कराए, चुनाव कराने के बाद अपना प्रतिवेदन कोर्ट को सौंपे। संपत्ति के बारे में जो पूरी नगर पालिका की संपत्ति, अपने अग्रवाल समाज की संपत्ति, जब तक ये चुनाव नहीं होते जब तक संपत्ति के अंतरण पर रोक रहेगी और ट्रस्ट के बैंक खातों पर रोक रहेगी, और कोई भी नवीन कार्य अग्रवाल समाज ट्रस्ट नहीं कर पाएगा।